हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड्स, बहुत सारी अमेजिंग स्टॉक अपॉर्चुनिटीज, पैटर्न ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। इंडेक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड मार्केट्स भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। कमोडिटीज से रिलेटेड जो वीडियो था वो मैं टेलीग्राम पर डाल चुका हूँ। अगर आप लोग को देखना है वो, तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हैं। बाकी लिंक्स भी और काफ़ी सारे डिस्कशंस, जैसे कि आप लोग अगर अपने चार्ट्स डालने हो तो आप लोग इस तरीके से अपने चार्ट्स शेयर कर सकते हैं। देखिए, बहुत लोग शेयर करते हैं अपने चार्ट आके। अभी ये सब मुझे रिव्यू करने हैं बैठ के। मैं वीडियो बना लूंगा, फिर मैं सबके साथ डिस्कस करूंगा जाके टेलीग्राम पे कि क्या क्या लोगों की राय है। ठीक है, तो आप लोगों को भी अगर मन है इस तरीके से ज्वाइन करने का कम्युनिटी, फ्री कम्युनिटी, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड एम फॉर 100 लाइक्स इन दिस वीडियो। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई हैव अमेजिंग ट्रेड्स फॉर यू। ठीक है, बहुत अच्छी स्विंग ट्रेड्स आपको मिल सकती हैं इस पूरे हफ्ते। मुझे लगता है मार्केट काफ़ी बुलिश रहेगी इस हफ्ते, देखते हैं बाकी क्या होता है। तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है कोल इंडिया में, जो कि मैं काफ़ी टाइम से वॉच आउट कर रहा था इसको। मैंने यहीं कहीं से, जब ये यहाँ पे इस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया ना इस एरिया का, तो मुझे लगा कि अब जो है इसको वॉच आउट करना चाहिए। सिंपल लॉजिक है कि इसने इस सिमेट्रिकल पैटर्न कंप्लीट कर लिया है, मल्टीपल टारगेट्स क्रिएट हो सकते हैं। एक बार ये 196.15 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे दे, पहला टारगेट 208 का जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर बना के एक्सटेंशन से बना रहा हूँ सेकंड टारगेट में। ठीक है, सेकंड टारगेट फिर बना के एक्सटेंशन से बन गया इस तरीके से, और आप देखो ये मैच कर रहा है यहाँ पे पहला लेवल एंड सेकंड, इस तरीके से बना लीजिए या थोड़ा सा नीचे रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर बना के हटा दो। ठीक है, तो पहला टारगेट फिर बना के से निकाल लिया, दूसरा टारगेट लॉजिक से निकालते हैं। क्लोजिंग से लेके क्लोजिंग तक इसको नापा और ब्रेकआउट पे इसको इस तरीके से रख दिया आके, सो ये बन गया थर्ड। अब थर्ड एग्जैक्टली वहां मत ले जाओ, 233 पे 230 का लेवल ले लो। ठीक है, राउंड लेवल थोड़ा पास का, तो 208 है ये, है ना, 210 ले लो उसको। 210, 20 और 30, तीन लेवल्स मिल गए अपने कोल इंडिया में। 196 से ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग चाहिए आपको। सिप्ला की बात कर लेते हैं, तो सिप्ला में हम लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे यूबीएल की बात मैंने अपने टेलीग्राम पे आपको बताई थी, सिप्ला भी लास्ट सेशन में भी मैंने एनालाइज करा था, फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ आपको एक बार कि यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम्स ये इस एरिया पे आके उठता है, उठता है, उठता है, और अभी फिर से उठ रहा है। ठीक है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि यहाँ से उठ के फिर से इस एरिया को टच करके वापस नीचे आ सकता है। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि ये ऊपर जाए, प्रॉफिट बुक करेंगे और थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ बुक कर लेंगे, देखेंगे क्या पता ये और ऊपर निकल जाए इस पर। ठीक है, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि काफी अच्छा पैटर्न बन रहा है बॉटम पे। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न दिखाई दिया है। ठीक है, अब देखो ये अगर ध्यान से देखे तो एक बियर फ्लैग टाइप का था पूरा। बियर फ्लैग कहाँ ब्रेक होता है, नीचे के लिए होता है, बट ये ऊपर निकल आया है। देखो छोटी कैंडल लेकर ऊपर निकाल दी है इसने, अभी भी मदर बार के अंदर है ये इसका मदर बार है। ठीक है, इनसाइडर डे रहा है इसका, तो ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो इंट्राडे ट्रेड भी बहुत ही सॉलिड बन सकती है सिप्ला में। तो सिप्ला की इंट्राडे ट्रेड वीवैप वगैरह लगा के, जो भी आप यूज करते हो कि एक पुल बैक पे ले लेंगे वीवैप पे जब आएगा, वैसी वाली ट्रेड एक बन जाएगी। ठीक है, वो भी आप प्ले आउट कर सकते हो आराम से। और बाकी स्विंग ट्रेड की मैं अगर बात करूँ तो ये स्विंग ट्रेड इनिशिएट ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न से भी निकल चुका है। अब सिर्फ मदर बार से अगर ऊपर निकल जाता है तो कन्फर्मेशन फुल, और बाकी जो अमाउंट है आप लगा सकते हो उसमें। तो पहले टारगेट की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो पहला टारगेट देखो ये मैंने यहाँ पे लाइन बनाई। ठीक, इसको इससे जोड़ा और मुझे लगता है कि करंट जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे 5% तक का एक स्विंग ट्रेड हम बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और फिर 15% का टारगेट नंबर टू होगा। तो टारगेट नंबर टू ये होगा, और फिर 1111111 का टारगेट नंबर थ्री ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तीन टारगेट सिप्ला में हो गए अपने। बीएल की बात कर लेते हैं, आपको अपनी आंखों से ही दिख रहा होगा कितना ब्यूटीफुल पैटर्न है ये। कंसोलिडेट करा बहुत टाइम, देखो कितना टाइम कंसोलिडेट करा यहाँ से लेके यहाँ तक, 200 दिन का ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखो रीटेस्ट करा, फिर रीटेस्ट करा, फिर रीटेस्ट करा, तीन बार रीटेस्ट कर लिया। ठीक है, उसी सेम जगह को कितनी मल्टीपल टाइम्स, एंड फाइनली जो है अब इसके ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। इस सिमेट्रिकल पैटर्न को भी हम इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको करना है। इसको यहाँ पे उठा के हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक रख दिया इस तरीके से। ठीक है, एंड ये अपना एक लेवल बन गया यहाँ पे। ऑल्सो अगर देखें तो ये पूरा एक बहुत बड़ा बुल फ्लैग, मतलब पेनेट फ्लैग या जो भी आपको बोलना है, एक पोल बहुत बड़ा और उसके बाद एक पेनेट फॉर्म में या फिर एक कंसोलिडेशन एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म में हुआ है, उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो आप ये आप ले सकते हो कि ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी यहाँ से क्रिएट कर लेगा, क्या पता फ्यूचर में। ओके, तो ये एक और टारगेट क्रिएट हो जाता है आपका। ठीक है, दो टारगेट्स एंड एक माइनर टारगेट आपका ये बन जाता है, जो कि मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट टारगेट है। ठीक है, तो तीन टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टारगेट। ये आप देख सकते हो इस तरीके से कैंडल के लो पे ऐसे रखा जाएगा अपना। अब बात करते हैं पेज इंडिया की, लुक्स वेरी गुड टू मी। पेज इंडिया देखो बार बार यहाँ से क्या ले रहा है,
डिमांड ले रहा है, राइट, बार बार यहाँ से डिमांड ले रहा है एंड यहाँ पे आता है एक ब्रेकआउट देने से पहले एक हायर लो बनाता है और यहाँ पे अक्यूमुलेशन के बाद ऐसा नहीं होता है कि ऊपर 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 ऐसा नहीं चल रहा स्टॉक, स्टॉक ने यहाँ पे आया कंसोलिडेट करा, मूव दिया कंसोलिडेट करा, अब फिर से एक मूव की एक्सपेक्टेशन है, कंसोलिडेशन की एक्सपेक्टेशन है, मूव कंसोलिडेशन, इस तरीके से स्टॉक मूव करते हैं, राइट। सो यहाँ कंसोलिडेशन हो चुका है आई थिंक और प्रीवियस हाई भी ब्रेक हुआ है, तो सबसे पहला पहला टारगेट तो मुझे लगता है कि यहाँ तक का हम ले सकते हैं इन पेज इंडस्ट्री, दैट इज देखो यहाँ तक का भी टारगेट लेना बनता है एक इस एरिया का, ठीक है, जो कि है अपना 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो अगर आपको प्ले करना है तो 1:1 यहाँ से प्ले कर सकते हो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट या तीसरा टारगेट ये प्ले कर सकते हो इस तरीके से आप यहाँ तक का, ठीक है। तो थर्ड टारगेट की अगर आप बात करोगे तो थर्ड टारगेट कैसे निकाला, तो फिबोनाची बनाओ, ठीक है, एंड थीम में से इसको यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो ये फिबोनाची मैंने एक्सटेंशन क्रिएट करा और यहाँ एक लेवल निकाल दिया। तो अब बात करते हैं विनती ऑर्गेनिक्स की, विनती ऑर्गेनिक्स एक ब्रॉडनिंग पैटर्न में है, ब्रॉडनिंग पैटर्न में, ठीक है, एक ब्रॉडनिंग पैटर्न बना रहा है और जो यहाँ पे मुझे दिखा है जिस तरीके से पैटर्न क्रिएशन हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर मुझे कह रहा है कि वी शेप रिकवरी आई है और फिर से एक वी शेप रिकवरी आई है, तो बार बार स्टॉक वी शेप रिकवरी करके फॉल होता है बट ऊपर आ जाता है, फॉल होता है ऊपर आ जाता है, अब अगर मार्केट बुलिश होगी तो ये और ऊपर जाएगा, राइट, क्योंकि बार बार वी शेप रिकवरी दे रहा है। यहाँ पे अगर देखो तो फिर एक कंसोलिडेशन, फिर एक कंसोलिडेशन, फिर काफी कंसोलिडेशन के बाद इससे निकला है, तो ऐसा नहीं है कि वर्टिकली ऊपर जा रहा है, काफी सारी ग्रीन कैंडल भले ही है इसमें बट आपको साफ साफ दिख रहा है कि बार बार स्टॉक जो है गैप डाउन भी अगर हो जाता है तो ऊपर क्लोज दे रहा है, गैप डाउन होके ऊपर क्लोज दे रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है कि देखो कल भी ये गैप डाउन होकर लास्ट सेशन में भी ऊपर क्लोजिंग दी है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, तो ये जो पिछली वीक थी इसके भी ऊपर निकल गया स्टॉक, तो एक SL यहाँ पे रखेंगे एंड अपनी ट्रेड पहला टारगेट अपना 2233 का प्लान करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की बात कर लेते हैं, तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में अगर देखें तो ये नीचे आके स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स लोस बनाए, फिर एक सेम ऑलमोस्ट सेम लो पे क्रिएट करा एंड फिर देखो हायर लोस का कंसोलिडेशन देके ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट देखो क्यों अच्छा नहीं था, क्योंकि ऊपर से जो मैंने लाइन बनाई तो 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल हुआ स्टॉक एंड फिर से निकल आया यहाँ से, राइट। सो मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि पहला टारगेट आप 2 3 2 3 3 का ले सकते हो यहाँ से, दैट विल बी टारगेट नंबर 1। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो अपनी ट्रेड, अपना पहला स्टॉप लॉस रख सकते हो 100 पॉइंट का एंड 200 पॉइंट तक का टारगेट। सो ये गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की ट्रेड हो गई, ठीक है। बाकी सफारी की ट्रेड अपनी अच्छी चल रही है, लेट्स सी जो भी होता है मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये ट्रेड में मैं हूँ, सिप्ला में भी मैं हूँ, मैं बाकी सारी जितनी भी ट्रेड यहाँ पर दिखाई हुई है ये इन सभी ट्रेड्स में हूँ, करंट पोजीशंस में सब में हूँ मैं, ठीक है। और ये सब अपडेट करा हुआ है मैंने टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर फॉलो करिएगा और डिस्कस करिएगा चीज़ें। अब बात करते हैं इंडेक्स की, तो 2 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है इंडेक्स पे, तो यार इंडेक्स में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पहले वर्ल्ड मार्केट अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ी सी वर्ल्ड मार्केट दिखा देते हैं, ये देखो वर्ल्ड मार्केट अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डैक्स क्या ब्यूटीफुल क्लोज दिया है इसने, डैक्स ने अगर आप देखोगे तो एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम बन रहा है, डबल बॉटम टाइप डैक्स बन रहा है और डबल बॉटम किस तरीके से बन रहा है, बुलिश कैंडल, बहुत ज्यादा बुलिश कैंडल एनगल्फिंग कैंडल के साथ बन रहा है। मुझे लगता है कि डैक्स यहाँ से ऊपर एक अपमूव दिखा सकता है, पॉसिबल अपमूव आ सकता है जिस तरीके का पैटर्न यहाँ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सेम गोज फॉर नैसडैक, नैसडैक सबसे ब्यूटीफुल पैटर्न क्रिएट कर रहा है अपने एक डिमांड जोन पे आके, अपने देखो एक डिमांड जोन पे आके बॉटम आउट हो रहा है, हायर लोज बना रहा है बार बार मल्टीपल टाइम्स, मुझे लगता है ये इसके ऊपर ब्रेकआउट जो है दे सकता है पोटेंशियल, ठीक है। यहीं पर एक अच्छी ट्रेड बन रही थी और अब आप 1-2% के प्रॉफिट पे होते जिन लोगों ने भी यहाँ पे, ऑफ कोर्स जिन लोगों ने इस तरीके से ट्रेडिंग सेट करी होगी अपनी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नैसडैक ट्रेड कर लो या कुछ, बट एक कन्विक्शन आता है बाहर की मार्केट से, क्योंकि गैप अप गैप डाउन की सब होती रहती हैं चीज़ें, तो वो कन्विक्शन वहाँ से ही आता है। फिर देखो ये एक बार यहाँ पे बॉटम आउट होने की कोशिश करा इसने, फिर और भी लोअर हाई बनाया इसने, बट अभी फिलहाल जो है हायर लोस क्रिएट कर रहा है, जो प्रीवियस लो क्रिएट हुआ है वो एक हायर लो ही है ओवरऑल, उसके बाद फिर से एक बड़ी कैंडल आई है यहाँ पे, तो बिग ग्रीन कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल हमें एक इंडिकेशन भी दे रही है, तो अगर इसके ऊपर निकलता है स्ट्रांगली तो हमें एक अच्छा साइन मिलेगा डाउ जोन्स में, जिसका मतलब है कि क्या पता हमारी SGX निफ्टी मल्टीपल टाइम्स हमें गैप अप जो है प्रोवाइड कर सकती है, बट अगर इसी कंसोलिडेशन में रह जाता है या फिर इसके नीचे फॉल करना चालू कर देता है तो फिर थोड़ी दिक्कत की बात फिर से आ जाती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या नैसडैक अपना यहाँ से ऊपर 31,700 के लेवल्स ब्रेक कर रहा है तो स्विंग पोजिशन आप कैरी ऑन कर सकते हो। SGX निफ्टी ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स अप है, तो उसका डिस्कशन करेंगे अब जाके हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 2 आवर टाइम फ्रेम खोलता हूँ मैं, 2 आवर पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे प्राइस एक्शन, तो मुझे दिख रहा है बार बार ये इसी चैनल को फॉलो कर रहा था एंड फिर से यहाँ पे एक रेड पिन बार कैंडल बनाई, चूंकि एक अच्छा कंफर्मेशन नहीं है बट किस जगह बनाई है वो एक अच्छा कंफर्मेशन है कि हर बार यहीं से एक सपोर्ट आता है। यहाँ पे देखो एक रेड पिन बार आई थी, उसके बाद एक इनसाइडर बार आई,
ब्रेकआउट हुआ इनसाइडर बार का, बहुत अच्छी रैली दिखाई दी ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको फिर से रेड बार इनसाइडर बार मिली, बट एक ब्रेकआउट नहीं मिला। ऑल दो उसके बाद क्या हुआ, आपका कंसोलिडेशन में चला गया था निफ्टी। मुझे लग रहा है ये पैरेलल चैनल यहाँ से फॉलो होगा ठीक है। इस पैरेलल चैनल पर ऑलरेडी हम लोग यहाँ कहीं गैप अप हो रहे हैं, ये ब्रेकअवे गैप कहेंगे हम इसे, क्योंकि हम लोगों ने मेन रेजिस्टेंस जो गैप डाउन जहाँ से हुए थे उसके ऊपर खुल रहे हैं, तो यहीं खुलते हैं तो डिस्कस करेंगे। क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोस्ट ऑफ द प्राइस एक्शन इंट्राडे पे जो होता है वो हम लोग डिसाइड करेंगे मॉर्निंग में मेरे टेलीग्राम पे क्या है। ओवरऑल पिक्चर बुलिश है, मुझे लगता है कि अगर डे का हाई ब्रेक होता है, एक फॉल के बाद एक ब्रेक होता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग 16400 16500 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। निफ्टी लुक्स प्रीटी बुलिश टू मी ठीक है, निफ्टी बुलिश लगती है ठीक है एज पर द प्राइस एक्शन। एंड बैंक निफ्टी उससे भी ज़्यादा बुलिश लगती है। बैंक निफ्टी में जो दो टारगेट्स मुझे लगते हैं फिलहाल के, वो मुझे लगता है 35500 एंड 36000 के लेवल्स, तो ये दोनों मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में हम अचीव कर सकते हैं। बट देखते हैं कि ऐसे अचीव करते हैं हम ये लेवल, या फिर हम इस लेवल को ऐसे अचीव करते हैं, तो वो देखना पड़ेगा कि ठीक है। इन दोनों में ही प्राइस एक्शन का प्ले होगा इंट्राडे पे जाके, ये तो 2 आवर टाइम फ्रेम पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो टेलीग्राम पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि पहले एक सही जगह पे कहाँ खुल रहा है वो पता चले, वो पता चलेगा हम लोगों को 9:07 पे, और तब मैं आपको टेलीग्राम पे हर बार की तरह अपडेट कर दूंगा। मैं कोई कॉल या इन्वेस्टमेंट कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता हूँ, आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ठीक है। बट काफ़ी सारा एजुकेशनल कंटेंट हम लोग डिस्कस करते हैं डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस में। जो लोग नए हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, यहाँ तक देखने के लिए जिन लोगों ने, जो लोग नए लोग हैं और आज उन लोगों ने मेरा वीडियो पहली बार देखा है, सो वेलकम टू द चैनल गाइस। एंड आई होप आप लोग जो है काफ़ी लंबे समय तक बने रहोगे हमारे साथ। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, जो कि आएगा कल, एंड स्टे ट्यून्ड।